नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल एलआईसी इंश्योर में। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गवर्नमेंट ने स्मॉल सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिया है, जो कि एप्लीकेबल होगा, जो लागू होगा 1 अप्रैल 2020 मतलब आज से 30 जून 2020 तक वही इंटरेस्ट रेट चलता रहेगा, जिसमें पीपीएफ, किसान विकास पत्र, एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, इनका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने काफी कम कर दिया है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, ये स्मॉल सेविंग स्कीम में गवर्नमेंट हर 3 महीने मतलब क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती थी। अगर ध्यान दे तो पिछले क्वार्टर से यह सेम थी, गवर्नमेंट ने इसमें कोई कमी नहीं की थी, पर अब इस क्वार्टर में गवर्नमेंट ने काफी सारा इंटरेस्ट रेट कम किया है। इसके परसेंटेज की कमी की बात करें तो 0.7 से लेके 1.4% तक गवर्नमेंट ने कम किया है। यहां पर सबसे बड़ा झटका उन सीनियर सिटीजन और उन व्यक्ति को लगेगा जो अधिकतर लोग अपना पैसा नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगाते थे। उनके लिए योजना अट्रैक्टिव थी, लेकिन अब इसका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने काफी कम कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पीपीएफ, किसान विकास पत्र, नेशनल सर्विस सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस का टीडी और उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कितना कम किया है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ में बने रहे और वीडियो को पूरे अंत तक देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने कितना इंटरेस्ट रेट कम किया है। दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा लाया गया एक लेटर है जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से आया है, बजट डिविजन से, नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली, डेटेड है 31 मार्च 2020, मतलब कल ही ये लेटर गवर्नमेंट ने पास किया है, जिसके सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट से बदलाव किया गया है स्मॉल सेविंग स्कीम का, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल रूल्स 2018 के हिसाब से स्मॉल सेविंग स्कीम का जो फाइनेंशियल ईयर है 2020 से लेकर 2021 तक के फर्स्ट क्वार्टर में 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक इसके इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, यहां पर टोटल ऐसे 12 स्कीम्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसमें गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया है। तो चलिए उसको हम आगे डीप में समझेंगे कौन कौन सा है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहां पर जो सेविंग डिपॉजिट था, जिसका ओल्ड रेट 4% था, न्यू रेट ही वो 4% ही रखा हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। फर्स्ट ईयर टाइम डिपॉजिट, सेकेंड ईयर टाइम डिपॉजिट और थर्ड ईयर टाइम डिपॉजिट, जो हम पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट मतलब टीडी में पैसा इन्वेस्ट करते थे, वो ओल्ड रेट था 6.9%, वहां पे अब गवर्नमेंट ने न्यू रेट दिया है 5.5%, जो 1.4% की कमी की गई है। 5 ईयर्स टाइम डिपॉजिट में मतलब जो 5 साल के लिए हम पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करते थे, यहां पर ओल्ड रेट है 7.7%, यहां पे गवर्नमेंट ने 1% की कमी की है, उसको 6.7% किया है। 5 ईयर्स की रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो गवर्नमेंट का ओल्ड रेट था 7.2%, जो न्यू रेट अब हो गया है 5.8%, यहां पर भी 1.4% की कमी की गई है। सीनियर सिटीजन स्कीम की बात करें तो यहां पर ओल्ड रेट था 8.6%, जो गवर्नमेंट ने इसे 1.2% से घटाकर 7.4% कर दिया है, जो आपको क्वार्टरली एंड पर पेड किया जाएगा। मंथली इनकम अकाउंट की बात करें तो यहां पर 7.6% था ओल्ड रेट, जिसको 1% से घटाकर 6.6% किया गया है। दोस्तों, यहां पे एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो लोग अक्सर टैक्स सेविंग के लिए भी इसका सहारा लेते थे, इसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे, जो ओल्ड रेट था 7.9%, अब इसे 1.1% से घटाकर 6.8% कर दिया गया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करूं तो जो हमारी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा काट कर इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता था, उसका ओल्ड रेट 7.9% था, 0.8% घटाकर 7.1% कर दिया गया, जो एनुअली आपको मिलेगा। किसान विकास पत्र जो ओल्ड रेट था 7.6, उसमें 0.7% घटाकर 6.9% कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो यहां पर यह प्लान हम अक्सर अपनी बेटियों के लिए लिया जाता था, जो कि लड़की होती थी उनके लिए प्लान लिया जाता था, अक्सर करके हम ये प्लान पोस्ट ऑफिस से लेते थे, जिसका ओल्ड रेट था 8.4%, अब यहां पर इसमें भी 0.8% की कमी कर 7.6% कर दिया गया है। तो इसका भी आपको एनुअली चार्जेस दिखाई देगा 7.6% के हिसाब से।
तो दोस्तों ये था टोटल 12 ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें गवर्नमेंट ने अपने परसेंटेज में कमी करके इसके इंटरेस्ट रेट को काफी कम कर दिया है। अब लोग यहां पर पैसे को भी इन्वेस्ट करने के लिए एक बार सोचेंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं ऐसे ही आपके साथ में और भी गवर्नमेंट के अपडेट्स जो आएंगे मैं आपके साथ में साझा करता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।